अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे से मत करिए, और कभी कभी तो आप परिवार से बाहर आपके पड़ोस में जो बच्चा रह रहा है उससे कंपेरिजन करते हैं, उससे तुलना करते हैं, तो ये भी बहुत गलत है। आपके जो है जो आपका बच्चा अपने पास है उसको आप एंजॉय करो, वो पढ़ लिख रहा है उसका एंजॉय करो। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि हम एक गेस्ट पर के मेहमान बन के किसी के घर पे गए और जैसे ही बच्चे वहां पर आते हैं, दो बच्चे या तीन बच्चे वहां पर आते हैं, तो तपाक से माता पिता बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है लेकिन ये बहुत नकारा है, ये बहुत बेकार है। और वो बेकार जिसको आप बेकार कहते हो वो बेकार नहीं होता है, क्योंकि ये आपने एक माइंड सेट बना दिया है कि ये तो, क्योंकि वो जो जिसको आप अच्छा बोल रहे हैं वो सिर्फ आपकी वजह से अच्छा है और आपकी देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ यू, आपका एक सीमा होती है। इसलिए आप जो है कभी भी दो भाई बहनों के बीच में तुलना न करें, तुलना करके आप दोनों को वहां पर उनको दुश्मन बनाने का काम कर रहे हैं। आप उनको भाई बहन को या अड़ोस पड़ोस के बच्चों को आपस में दुश्मन नहीं बनाएंगे, और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप उनकी तुलना किसी से भी न करें। सिर्फ जो बच्चा आपका है उसके बारे में निश्चित ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर क्वालिटी नहीं है, हर बच्चा अपने विशिष्ट गुणों को अपने टैलेंट को लेकर पैदा होता है, और दिस इज द सिस्टम ऑफ दैट ऑलमाइटी, ये सर्वशक्तिमान का एक सिस्टम है कि वो जब भेजते हैं तो कुछ कुछ प्रतिभा के रूप में भेजते हैं। पहली बात है आप किसी की कंपैरिजन न करें। एल का मतलब होता है लेवलिंग, लेवल का मतलब होता है किसी बच्चे के ऊपर बहुत सारे बच्चों को माता पिता को बोला ये तो भंगुर है यार, ये तो गधा है, ये भंगुर है, ये नालायक है, ये निकम्मा है, दिस इज कॉल्ड लेवलिंग, इसको लेवलिंग कहते हैं। और आप बच्चे के ऊपर इस तरीके के लेवल नहीं लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और ज्यादा बढ़िया ये माना जाता है, समाज का विज्ञान समाज शास्त्र कहता है कि जब आपका बच्चा बहुत अच्छा करे तो आप उसको गेस्ट के सामने पब्लिकली आप उसकी पढ़ाई करिए, लेकिन जब कभी वो गलती करता है तो उसको अलग से बुलाकर और बहुत प्यार से आपको उसको बताएंगे, तो उसका बहुत जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि मैं समझता हूँ। एक मतलब होता है एस्पिरेशन, उसको आप जितनी उम्मीदें बच्चे से रखेंगे, जितनी अपेक्षाएं रखेंगे, निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं को उस पर जो है प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, वो दबाव में काम करता है। आप समाज में आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनल देखते होंगे, न्यूज देखते होंगे कि फला बच्चे ने ये कर दिया, फला बच्चे ने ये कर दिया, फला बच्चा जो है इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, वो सब कहीं ना कहीं माता पिता का या समाज का दबाव होता है। तो समाज के दबाव को वो सहन कर लेगा, लेकिन जो है दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू बेयर द प्रेशर ऑफ द फैमिली, लेकिन परिवार का दबाव जो है सहन करना आसान नहीं होता है। इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करेंगे, आप सिर्फ जो है नेकी करो, दरिया में डाल वाली बात है, इसी कंसेप्ट पर हमको आगे बढ़ना है। और पी का मतलब होता है परसेप्शन, जिसको हम कहते हैं कि एक अवधारणा, एक दृष्टिकोण, कि बच्चे के प्रति हमें जो है किसी भी प्रकार का जो है दृष्टिकोण नहीं बनाना है, और बच्चे में हमें अच्छी आदतों को जो है डेवलप करना है। अच्छी आदतों का मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है ही और सी हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड सिटीजन फॉर द नेशन, यदि आप उसको समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं तो उसको आप जो है निश्चित रूप से उसमें अच्छी आदतों का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। यदि आप जो है अच्छी आदतें उसमें डेवलप करते हैं तो बेहतरीन वो नागरिक बनता है। अच्छी आदतों को डेवलप करने के लिए सिर्फ वो भाषणों से नहीं होती है, यदि मैं या दूसरा कोई भी सिर्फ भाषण कर रहा है, स्पीच कर रहा है, तो उससे अच्छी आदतें नहीं बनती है। आपको जो है उन चीजों को आचरण में ढालने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ये वेदाचरति श्रेष्ठ स्थित देवी तरो जना स्वयत् प्रमाणम कुरते लोकस्तदनु वर्तते, कि जब अर्जुन विषाद में चला गया तो अर्जुन को कहा गया व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट हैव यू टू डू, कि आपको क्या करना है। अर्जुन को युद्ध करना था लेकिन वो निराश हो गया, वो एक अटैचमेंट हो गया उसका कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ, इस समाज में इस दुनिया में जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो है व्हाटएवर दे बच्चा वही सीखता है, जो कुछ हम करते हैं बच्चा वही सीखता है। और शब्दों का अपना बड़ा भारी इम्पैक्ट है, बड़ा असर होता है, जिन शब्दों को हम परिवार में बच्चों के बीच में बोलते हैं उन्हीं शब्दों के अनुसार वो आचरण करते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, एक छोटी बहुत छोटी सी कहानी है, बच्चे भी सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बच्चों मेरी बात सुन रहे हैं ना आप लोग, बच्चों मेरी बात, आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट? यस। आपको जरा ध्यान देना, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ और पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, निश्चित रूप से शब्दों का जो है दीज आर द वर्ड्स
विच ब्रेक एंड दीज आर द वर्ड्स विच मेक। शब्द ही होते हैं जो व्यक्ति को बनाते हैं और शब्द ही होते हैं जो व्यक्ति को तोड़ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक माँ जो है, एक माँ के पास बच्चा आया, वो बच्चा छोटा था, जैसे हमारे बच्चे जो परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पर, छोटा बच्चा आया, उसने कहा मॉम देयर इज अ माउंटेन एंड माउंटेन इज टेलिंग टू मी आई हेट यू। उसने कहा कि मम्मी एक पर्वत था सामने और मैं वहां पर गया और वो पर्वत मुझसे कह रहा है कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। जरा सोचिए, पर्वत ऐसा कह सकता है, लेकिन बच्चे ने बोला ये हुई बात कि पर्वत मुझसे कह रहा, बच्चे से कह रहा है कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ। माँ जो है सीवर वेरी सेंसिबल, वो बहुत समझदार थी माँ। माँ ने कहा बेटा आपने क्या कहा था पर्वत से, क्या बोला था? तो बच्चा बोलता है मैंने ये कहा था आई हेट यू। माँ समझ गई, माँ ने बोला नहीं आपने हेट यू नहीं बोलना था, पर जाके जाओ, तुम अब जाओगे जो मैं आपसे कह रहे हो कि आप ये बोल के जा आना वहां से, तो माउंटेन जो है ऐसा नहीं कहेगा, ऐसा इको नहीं करेगा। बच्चा जाता है, द चाइल्ड गोज जस्ट बिफोर द माउंटेन, ही स्टैंड्स देयर एंड ही स्पीक्स आई लव यू एंड देयर इज एन इको। और जब बच्चों ने पहाड़ के सामने बोला आई लव यू, तो वहां से भी आवाज आई आई लव यू एंड द चाइल्ड वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। ही केम टू हिज मदर एंड सेड एलाबोरेटेड दिस इंसिडेंट बिफोर हिज मदर। उसने अपनी माँ से, आज तो बहुत बच्चा खुश हो गया अब शब्दों के सुन के कि माँ आज मम्मी जो है उसने मुझसे कहा पर्वत ने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मम्मी ने बोला ये जो है पर्वत तो अपनी जगह है बेटा, लेकिन ये जो है ये फर्क जो है सिर्फ तुम्हारे शब्दों का है। यदि शब्द तुम अच्छा बोलेंगे तो निश्चित रूप से उसका अच्छा फर्क पड़ेगा। यदि द्रौपदी शायद ये नहीं बोलती कि अंडे की औलाद अंडे, तो महाभारत नहीं होता। इसलिए हमें शब्दों का भी जो है चयन जो करना है बहुत अच्छे ढंग से करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित